आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते, वो आपको पर्सनली नहीं जानते, तो आपके नए होंगे उस एस्पेक्ट में। और हम जब परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे याद है कि मलिका बहुत ही न्यू थी टू एक्टिंग एंड एक्सप्लोर कर रही थी वो अपने साइड से एक 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 चीज़। आज की डेट में जहाँ पहुँची वो तो अलग ही बात है, बट जिस हिसाब से उसने उस टाइम पे धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया, बट शी वॉज नॉट लर्निंग जस्ट एक्टिंग बट एवरी थिंग ग्रेजुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि हमें सब लोग बहुत छेड़ते थे क्या तुम लोगों का, तो तुम लोग क्या केमिस्ट्री, तुम्हारी तो कुछ है ही नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। फिर मेरे बारे में हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसे कहने वाले, सुमित तो बड़ा खड़ूस है, तो वो तो हर जगह मिल जाते हैं। तो इधर भी नए नए आए थे जो आज के डेट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट ऐसा हो जाता है। आई थिंक सो आई एम लिटिल अनप्रेडिक्टेबल। पहला इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि एटीट्यूड है, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि इससे शायद कुछ लोग अगर नहीं समझ, वो समझ आए, होता क्या है कि हर एक आदमी ओपन होने से पहले ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग बहुत आसानी से ओपन हो जाते हैं, मैं इतनी आसानी से ओपन नहीं हो पाता। मुझे एक काफ़ी फेमिलियर बैकग्राउंड मिल जाएगा कि मतलब उस इंसान को मिल के मुझे पॉजिटिविटी मिले, या मैं उस इंसान के लिए पॉजिटिव फील करूँ और वो वाइब मैच करे, तो मैं खुल पाता हूँ। और ये भी नहीं, अभी हर एक इंसान का एक फेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप साल में मुझे एक बार ही मिले हो और उसी दिन मिले हो जिस दिन मैं बहुत नाराज था अपनी लाइफ में, तो आपको तो यही लगेगा। अभी क्या होता है ना, हर एक आदमी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और हमेशा वो एनालाइज करता है कि आगे बढ़ने के तौर तरीके होने क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, मतलब हम सभी फिगर आउट करते हैं। तो शायद कभी कभी वो अप्रोच किसी किसी को थोड़ा ये लगा होगा कि ये तो बात ही नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं तो बात ही नहीं करते, तो अपने में रहते हैं, क्यों रहता है ये, शायद ही वो डिकोड करने की कोशिश भी नहीं करते, नहीं करते, करते ही नहीं। आपको भी लगते थे इनिशियली स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट नाउअडेज आई एम नॉट एट ऑल जजमेंटल। ही इज व्हाट ही इज, व्हाट ही इज टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ही मेड हिमसेल्फ थ्रू आउट दैट जर्नी, एंड जो भी उन्होंने फेस किया, जो भी बहुत मेहनत किए हैं, मैंने तो की ही है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट ही इज टुडे, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। थैंक यू सो मच सर। लिटरली मैं हर बार इस चीज को एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि मैं आप दोनों की जर्नी में शुरुआत से देख रहा हूं। आप तो मेरे ख्याल से ये पहला शो था आपका, पहला शो था और थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस ज्यादा था, लेकिन वो जिस तरीके से रोल कर रहे थे, सुशीम का रोल आपने किया उसके पहले, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था, लेकिन वो निगेटिव था, और ये एकदम, और जिस अंदाज में आपने उसको कैरी किया है कृष्ण को, और इवन आपने राधा को, मेरे ख्याल से कॉन्टेम्प्ररी स्टाइल में इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर, आई यूज टू सी, बिकॉज मेरे नानी नानू ये सब देखते थे सीरियल्स वगैरह, तो मैं आई यूज टू सी हिम, सो ही इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बींग फ्रॉम द डे वन, एंड नाउ एज आई सी हिम, he is so much improved, he is to the next level, words could ever define, to be very honest. वो जो gravity है आप दोनों के किरदार में, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ real life dad ambassadors हैं राधा कृष्ण जो हैं, प्यार के, दोस्ती के, purity के, हर चीज के, और